सब्जेक्टिव शीट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने किया हुआ है एवरेज वेलोसिटी का, वैसे हो गया सबका, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 2 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करना है। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने पहले मना किया था पर आज इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन है कि ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आर। तो कोई ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर पर आर से ट्रेवल कर रही है और जिसकी लेंथ 110 मीटर लॉन्ग है। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ साइक्लिस्ट मूविंग एट 6 किलोमीटर पर आर। अब साइक्लिस्ट मान लो पहले केस में सेम डायरेक्शन में आगे जा रहा है, मतलब साइक्लिस्ट आगे जा रहा है, ट्रेन उसके पीछे आ रही है और ट्रेन ने साइक्लिस्ट को ओवरटेक करना है, ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरा बाद में आंसर देना, मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले उसके आंसर देना। पहला क्वेश्चन है, मान लो आपके पास ये ट्रेन है जो 110 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये ट्रेन है। सपोज एक साइक्लिस्ट, देखो साइक्लिस्ट ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल विड्थ का है, साइकिल की विड्थ लेने की जरूरत नहीं है, तो मतलब ये एक साइक्लिस्ट है। और इमेजिन करो ये साइक्लिस्ट किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, आपको समय कैलकुलेट करना है कि ये ट्रेन रुके हुए रेस्ट पे पड़े हुए साइक्लिस्ट को कितनी देर में ओवरटेक करेगी। तो क्या करें, तो जो टाइम होगा वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड। और इसकी स्पीड मान लो 60 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या आंसर आएगा, 110, क्योंकि जब तक ये इंजन से आखिरी ये जो पॉइंट है ये क्रॉस नहीं करता तब तक आप अपना टाइमर ऑन रखेंगे, तो टाइमर 110 मीटर तक ऑन रहेगा, फिर डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पर इस प्रॉब्लम में साइक्लिस्ट किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, तो ज़्यादा चक्कर नहीं है। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, साइक्लिस्ट को चलाता हूँ। साइक्लिस्ट मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 60 मीटर्स पर सेकेंड, ट्रेन भी मूव कर रही है 60 मीटर्स पर सेकेंड, ट्रेन ने साइक्लिस्ट को ओवरटेक करना है, बोलो कितने समय में ओवरटेक करेगा, करेगा मतलब दोनों भागेंगे 60-60, ओवरटेकिंग ऐसी होगी, ट्रेन को लगेगा साइकिल वाला रेस्ट पे है, साइकिल वाले को लगेगा ट्रेन रेस्ट पे, यही ऐसा ही होगा ना। कि अगर मान लो एक कार जा रही है एट स्पीड ऑफ 60, सामने एक और कार की स्पीड ऑफ 60, आप एक कार की छत से दूसरी कार की छत पर टाप सकते हो, आपको क्योंकि लगेगा दूसरी कार किसे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि अगर स्पीड सेम है तो ट्रेन कभी भी साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर ही नहीं पाएगी, साइक्लिस्ट साथ ही मूव करेगा, ये बात समझ में आती है सबको? तो मैथमेटिकली अगर मैं कैलकुलेट करूं इसी बात को, तो कैसे कैलकुलेट करूं, मैं मैथ से कैसे समझाऊं ये बात, लॉजिकली ठीक है कॉमन सेंस से आप समझ गए पर मैथमेटिकली कैसे समझाऊं? पहला केस आपने कैसे किया था, पहला केस फटाफट कर दिया क्योंकि साइक्लिस्ट किस पे पड़ा हुआ था, एट, तो आपने कुछ नहीं किया, ट्रेन की वेलोसिटी ली, लेंथ ली, डिवाइड किया, आंसर आ गया। तो सबसे पहली चीज ये कि जब आपको समय निकालना है, डिस्टेंस को उस बॉडी की स्पीड से डिवाइड करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रेन की स्पीड से डिवाइड करोगे लेकिन ओवरटेक किसे करना है, साइक्लिस्ट को, ये एज्यूम करते हुए कि साइक्लिस्ट किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, तो ही आंसर सही आएगा। अब फिजिक्स में एक टॉपिक है जिस टॉपिक को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, वैसे वेक्टर का पार्ट है जो 3-4 लेक्चर के बाद स्टार्ट होने वाला है, उसमें बहुत डिटेल में करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, पर अभी क्योंकि क्वेश्चन बीच में फंस गया है तो मेरे को बाहर तो निकालना ही है। अगर मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है, एक ट्रेन मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड और साथ ही एक साइक्लिस्ट मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, कैलकुलस मत यूज करना भाई, ये कैलकुलस नहीं है, रिस्पेक्ट टू कार मतलब बाय डी ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार मत करना, रिलेटिव वेलोसिटी में इसका मतलब है कि मैं आपसे ट्रेन की वेलोसिटी पूछ रहा हूं,
ये एज्यूम करते हुए विद रिस्पेक्ट टू कार का मतलब ये एज्यूम करते हुए ट्रेन एज्यूम करेगी कि कार किस पे पड़ी हुई है एट रेस्ट, तो आंसर क्या होगा? इसको बोलते हैं कैलकुलेटिंग रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी निकालना विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, और अदर बॉडी किस पे होनी चाहिए एट रेस्ट, पर प्रॉब्लम ये रेस्ट पे है ही नहीं। तो इसके लिए एक तरीका है फिजिक्स में कि अगर आपको ट्रेन की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू कार और कार को रेस्ट पे मानता है, तो आप दोनों को माइनस कर दें, तो ट्रेन की वेलोसिटी में से कार की वेलोसिटी को माइनस कर दें, आंसर क्या आएगा 40। तो मतलब ट्रेन ये बोल सकती है कि मेरी स्पीड मान लो 40 है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी साइक्लिस्ट, या वो ये बोले कि मेरी स्पीड कितनी है 60 है विद रिस्पेक्ट टू क्या विद अ साइक्लिस्ट जो 20 के साथ मूव कर रहा है, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें दोनों की वेलोसिटी को माइनस करके जो सेकेंड बॉडी होती है जो यहाँ पे आती है, ये एज्यूम हो जाता है कि किस पे पड़ी हुई है एट रेस्ट। जैसे ट्रेन जा रही है विद 60 और कार जा रही है विद 60, तो ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या होगी? 0। तो ट्रेन में से कार की वेलोसिटी माइनस, तो ट्रेन क्या बोलेगी कार को देखते हुए कि मैं किस पे पड़ी हुई हूं एट रेस्ट। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब भी एक गाड़ी की वेलोसिटी निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी गाड़ी और दूसरी गाड़ी को रेस्ट पे मानना है, तो पहली गाड़ी अपनी वेलोसिटी दूसरी गाड़ी के साथ क्या कर देगी? माइनस, आंसर आ जाएगा। तो रूल समझ में आ रहा है यहां तक? अब हो यही रहा है इसमें, क्योंकि सपोज करो मेरा क्वेश्चन ये था कि ट्रेन है 60 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, साइक्लिस्ट है 60 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है इन सेम डायरेक्शन, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, तो मेरे जो टाइम की वैल्यू आएगी 110 बाई, अब ट्रेन की वेलोसिटी किसको ओवरटेक करना है ट्रेन ने? साइक्लिस्ट को। तो ओवरटेकिंग के लिए साइक्लिस्ट को ज़ूम किया जाएगा, वो रेस्ट पे तभी ट्रेन ओवरटेक करेगी, तो क्या करेंगे 60 माइनस 60। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ गया? यानी कि कभी नहीं करेगी, सही है, मैथमेटिकली समझा रहा हूँ इस चीज़ को मैं। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं, और एक और चीज़, तो फिर शॉर्टकट बना लेते हैं। शॉर्टकट ये बनेगा, ये शॉर्टकट सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है, एक्चुअल में ये पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया जाएगा, तो आपको कोई शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आने वाले टाइम में आपके पास टेक्निक होगी जिससे आप ये निकाल सकेंगे। तो फिलहाल के लिए कोई भी दो बॉडीज ट्रेन एंड कार अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों की वेलोसिटी रिलेटिव निकालने के लिए दोनों की वेलोसिटी को क्या करेंगे? माइनस। लेकिन अगर ट्रेन आगे जा रही है और कार पीछे जा रही है, रूल वही है, ट्रेन में से कार की वेलोसिटी को माइनस, लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव तो इधर की डायरेक्शन नेगेटिव, यानी कि यहां पर क्या आएगा? माइनस सी, क्योंकि वेलोसिटी ने भी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो माइनस सी, तो आंसर क्या आ जाएगा? वीटी प्लस वीसी। मतलब शॉर्टकट है, अगर ट्रेन इधर जा रही है विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड और कार इधर जा रही है विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, तो ट्रेन को लगेगा पीछे जाती हुई कार को कि उसकी स्पीड कितनी है 120 मीटर पर सेकेंड, को लगेगा बहुत तेजी से मैं सेपरेट हो रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है? तो दो शॉर्टकट है, अगर दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वेलोसिटी माइनस होगी, अगर ऑपोजिट जा रही हैं तो प्लस होगी। क्वेश्चन पे आते हैं, तो मेरा क्वेश्चन था कि 110 मीटर लंबी ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 60 में से 6 को माइनस करना है, तो ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 1000 और आर को 3600 सेकेंड्स या 5/18 आपको पता होगा, तो सॉल्व करके मीटर पर सेकेंड आ गया। तो पहले केस में टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ ट्रेन क्या 110 और स्पीड में क्या आएगा यहाँ पर? सॉल्व करके 15, आंसर फर्स्ट एक आंसर आ गया। एंड इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? 66 मीटर पर सेकेंड में 18.3 मीटर पर सेकंड आएगा, तो टाइम क्या आएगा? 110 अपॉन 18.3 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। तो टेक्निक समझ में आ रहा है? तो अगर दो कार सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी माइनस, और अगर ऑपोजिट है तो वेलोसिटी प्लस, आंसर।
तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, लेकिन एक्चुअल समझ तो वेक्टर में आएगा, पर क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि क्वेश्चन बीच में आ रहा है और आपके और ऑब्जेक्टिव में भी आता रहेगा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा करवाना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन में दिक्कत है मोशन में, बस एक दो क्वेश्चन आपको ये टेक्निक्स याद करनी पड़ेंगी। वैसे फिजिक्स में ऐसा चलता नहीं है, फिजिक्स में तो रूल चलता है, एक रूल लगाओ और मज़े की बात है इसमें एक्सेप्शन भी नहीं है, बस सब पे चला दो आंसर सेम आता है, तो मतलब तभी फिजिक्स थोड़ी सी ठीक से लगती है। एक्सेप्शन नहीं है इसमें, केमिस्ट्री में थोड़े थोड़े एक्सेप्शन होती हैं, हर चौथी बात पे एक एक्सेप्शन आते होता है ना, आएंगी हर काफ़ी जगह ऐसा होता है कि 100 के लिए चलेगा और एक के लिए नहीं चलेगा, फिजिक्स में सबके लिए चलेगा। तो हम तो इसमें फिलहाल के लिए हमने ये रूल बना लिया, लेकिन आने वाले टाइम में हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर ट्रेन इधर जा रही है, कार जा रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो कैसे ओवरटेकिंग होएगी, ये भी कर देंगे सॉल्व, 60 डिग्री पे भी कर देंगे, तो मतलब थोड़ा और लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन वो एक फॉर्मूला इसमें ड्राइव होगा, उससे सारे आंसर आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो इसका आंसर दे दो। अगर मैं ये पूछूं कि 9वीं 10वीं 8वीं तक तो ये पढ़ाया जाता था कि कार की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, हम तो कभी सोचा ही नहीं, ये विद रिस्पेक्ट टू का चक्कर क्या है, कार की स्पीड 40 तो 40 है, तो ये क्या चक्कर था, मतलब क्या, बस उसमें विद रिस्पेक्ट टू जरूरत नहीं है, मतलब वो कौन सी वेलोसिटी थी फिर, इसमें माइनस कर दो तो रिलेटिव वेलोसिटी आई। तो अगर मैं बोलता हूँ एक कार जा रही है, सामने कोई साइक्लिस्ट भी नहीं है, अकेली कार जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब क्या समझूँ उसकी, विद रिस्पेक्ट टू क्या, ना विद रिस्पेक्ट टू क्या, फिजिक्स का रूल समझ लो। अगर विद रिस्पेक्ट टू कोई पड़ोस की कार नहीं है ना, तो ग्राउंड को रेफरेंस मान लो, ग्राउंड हमेशा किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो अगर बोलते हैं कार की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, वो विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटिकली ग्राउंड रहता है, क्योंकि ग्राउंड सदाई रेस्ट पे है, तो इसलिए 40 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कार की स्पीड में से ग्राउंड की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस, तो आंसर फर्क नहीं पड़ता कोई भी, ये लॉजिक है। तो वो 9th-10th में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दो कारें तो चलानी नहीं है उसमें, यहाँ दो कारें चलानी है तो जरूरत पड़ती है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, एवरेज वेलोसिटी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 यहां से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बॉडी इज इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, एज इट क्रॉसेज अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब बॉडी चल रही है और एक फिक्स पॉइंट को वो क्रॉस करती है, तो मैंने पूरी लाइन में एक फिक्स पॉइंट मान लिया। आगे अ स्टॉप वॉज इज स्टार्टेड, तो मतलब आप खड़े थे यहां फिक्स पॉइंट के बाद, जैसी गाड़ी आई आपने गाड़ी को ऑन कर लिया। अब क्या हुआ, जैसी वो कार यहां से क्रॉस करती है, उस टाइम आपने देखा कि बॉडी की कुछ वेलोसिटी थी, वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि वो क्रॉस कर रही है फिक्स पॉइंट, तो मान लो इसकी वेलोसिटी क्या थी, यू, ठीक है यहां तक। आगे द बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 180 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, इसके बाद कहानी स्टार्ट हुई कि 180 सेंटीमीटर पहले 3 सेकेंड में कवर हुए एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो अगले 5 सेकेंड में 220 और कवर हुए, कोई डाउट इसमें, ये सिचुएशन क्लियर है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9th सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है 9th सेकेंड पे, तो थ वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इससे नथ, क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, वेलोसिटी के लिए थोड़ी ना होता है। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, v इक्वल टू u प्लस at, और टाइम की जगह 9 पुट कर देंगे आंसर, पर अपने को क्या चाहिए होगा, u और a। तो पहले इस जर्नी के लिए अप्लाई करते हैं, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 2180 इज u इंटू 3 हाफ इंटू a इंटू 3 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। फिर इस जर्नी के लिए मैं करना तो चाहता हूं s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर प्रॉब्लम ये है कि इस जर्नी के लिए यहां की वेलोसिटी मुझे मालूम नहीं है, तो मैं काम करता हूं, मैं फिर से कंप्लीट जर्नी ले लेता हूं। इस पूरी जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, पूरी जर्नी का टाइम क्या है, 3 + 5 = 8, और टोटल डिस्टेंस क्या है, 180 और 220 मिला के 400। तो यहां पे करेक्शन होगी, यहां पे कोई बात नहीं, तो यहां पे टोटल डिस्टेंस 400 इज यू इंटू 8 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 8 का स्क्वायर, क्योंकि यू दोनों के लिए क्या रहेगा इसमें, कॉमन।
तो आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, तो एक आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एक आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, तो यू और ए आ जाएगा। तो यू और ए कितना आ रहा है जिन्होंने सॉल्व किया, देखता हूँ अभी, ये मेथड क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ से सॉल्व करके यू और ए आएगा, यू और ए आ रहा है -4 और 66, ठीक हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में 9 सेकेंड पुट करके आंसर आएगा। तो ये मेथड सबको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें। क्या ये यहां तक क्लियर है? ठीक है, नहीं वो ऐसा होता है जब हम बोलते हैं वेलोसिटी के केस में 10th सेकंड, तो वेलोसिटी v u plus 80 में v is always instantaneous velocity, तो t पुट करोगे 10 तो v 10 पे ही आएगा, और ऐसा नहीं होता 10 वहां चल रहा है तो उसमें अंदर की इंस्टेंटेनियस, ऐसा नहीं है, 10 मीन 10 है ऐसा है। नहीं जब वो पूछेगा 9.4 9.5 9.6 सेकंड पे निकालो, वो अपने आप टाइम देगा आपको, ऐसे तो वो इंस्टेंटेनियस है ना, चेंज हो रही है तो नहीं पूछेगा ऐसे, तो 9वां सेकंड पे तो वो अपनी इनफाइनाइट वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, तो एग्जैक्ट टाइम देगा आपको जो देगा, ठीक है यहां तक। तो वेलोसिटी के अंदर चक्कर नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अपलोड कर दिया मैंने गूगल ड्राइव पे से, शीट से सारी किसने चेक की हो तो मेरे ख्याल से उसमें पड़ी हुई है, तो चेक कर लेना रेफरेंस के लिए, देख लेना 7th में, नहीं पूछ रही है वो 9 लेने, ये वाला कितने लोगों इसमें डाउट है, डाउट है। देखो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हमने किया था कार रेस्ट से स्टार्ट यू इक्वल टू 0 और फिर एक्सलरेट होती है यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के लिए एक्सलरेट होती है और वेलोसिटी कवर कर लेती है 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इट रन्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 8 8 8 8, फिर उसके बाद कम्स टू रेस्ट इन 64 मीटर, यानी कि 64 मीटर पे रेस्ट पे आती है फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये रीजन एक्सेलरेशन का है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है और ये रिटार्डेशन का है, 3 रीजन क्लियर है। तो आपको इसमें एक्सेलरेशन निकालनी है, यू पता है वी पता है, तो अप्लाई करो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, टाइम भी पता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.8 आ गई। रिटार्डेशन निकालनी है तो इस रीजन में अप्लाई करो, यहाँ पे वेलोसिटी 8 है, फाइनल 0 है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो 0 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज 2 into a into 64, तो रिटार्डेशन भी आ गई, ठीक है। फिर आपको इस क्वेश्चन में टोटल जर्नी का समय निकालना है, टाइम निकालना है, ये टाइम आपको पता है 10 है, ये टाइम मैं आपको निकाल देता हूँ कैसे, इस रीजन में सीडी रीजन में यू पता है, वी पता है, एस पता है और ए भी पता है, तो इस रीजन में v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के टाइम आ गया, टाइम 16 सेकंड आ गया, तो यहां का टाइम आ गया, यहां का टाइम आ गया, अगर आप यहां का टाइम बता दें आंसर आ जाएगा, टोटल टाइम में तीनों टाइम को ऐड कर लेंगे, तो यहां का टाइम अगर निकालना है तो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक ही क्वेश्चन एप्लीकेबल है, s इज इक्वल टू vt। प्रॉब्लम ये है कि अपने को यहां पर s नहीं पता, यहां का s निकाल लेते, यहां का s हम निकाल सकते हैं कैसे, ए बी रीजन में अप्लाई कर लो, ऐसे 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहां से ऐसा आ जाएगा 40, यहां का s आ गया, यहां का s 64 है, 584 में से 40 और 64 को माइनस कर दो, तो बीच के रीजन का s आ गया, तो s इज इक्वल टू vt लगा लिया, तो बीच के रीजन का टाइम आ गया, पहले रीजन का टाइम निकाल लिया या गिवन था, दूसरे का निकाल लिया, तीसरे का निकाल लिया, तीनों को ऐड करके टोटल टाइम की वैल्यू आ जाएगी 86 सेकेंड, ठीक। देखो बहुत लोग इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन खुद कैसे फंस जाते हैं मैं बताता हूँ, नॉर्मल स्टूडेंट, देखो आदत है, वो आपकी भी गलती नहीं है, वो सिखाया ऐसे जाता है, स्टूडेंट कैसे करता है काम बताता हूँ। क्वेश्चन पड़ेगा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, लिखेगा यू इज इक्वल टू 0, फिर एस इज इक्वल टू 8, फिर वी इज इक्वल टू इतना, वो भूल जाएगा यहाँ पर तो 3 जर्नीज हैं,
फिर आधे क्वेश्चन करते करते भूल जाएगा कि यू कौन सा था, वो पहले रीजन का यू था, वो बीच के रीजन का यू था, कि आखिरी का यू था। वो यू में इतना उलझ जाएगा कि वो पता नहीं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे सिंबल यू हैं, सारे सिंबल वी हैं, सारे सिंबल ए हैं और सारे सिंबल टी हैं, तो उलझ जाओगे उसमें। तो आपने एक चीज़ नोट की, मैं तभी हमेशा क्वेश्चन में डायग्राम बनाता हूँ, ये वाला रीजन अलग सॉल्व करता हूँ, ये वाला रीजन इसके नीचे सॉल्व करता हूँ और ये वाला इधर करता हूँ, ताकि मैं खुद फंस ना जाऊँ और आपको भी कंफ्यूज ना कर दूँ कि मैं कौन सा। अब यूज तो मैं यहाँ भी यू भी कर रहा हूँ, यूज मैं यहाँ भी यू भी कर रहा हूँ, पर रीजन टू रीजन आप देख पा रहे हैं सब में फ़र्क है। तो समझ में आ रहा है, मोशन का पहला ट्रिक ये है, क्वेश्चन को जल्दी में ना पढ़े, पैनिक ना करें, स्टेटमेंट देख के घबराहट होती है, मत घबराएं, ठीक। स्टेटमेंट प्रॉब्लम लोगों को पसंद नहीं आती, बट फिजिक्स है ही स्टेटमेंट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो यही है सबसे बड़ी। कोई ऐसी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है पूरी फिजिक्स में जो आपको मिलेगा जिसमें स्टेटमेंट ना हो। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आप बच नहीं सकते, क्योंकि सारा पेपर स्टेटमेंट प्रॉब्लम का आएगा। चलो ये तो मतलब आपका माइंडसेट बिल्कुल, मतलब आपको वहम ही ना रहे, मैंने वहम ही खत्म कर दिया, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट पढ़ने का स्किल आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितना काम साफ करेंगे, साफ क्लियर, दूर दूर खुला खुला, और आंसर की एक्यूरेसी उतनी बढ़िया आएगी। आप गंदा काम करके देख लें मोशन के अंदर, मतलब ही नहीं आपका आंसर एक बारी में आ जाए और फ्रस्ट्रेशन अलग क्रिएट कर लेंगे, आता आता भी गलत हो जाएगा। मुझे मालूम है ना, मैंने भी तो अपने हाथ से बहुत अपने हाथ काले किए हैं यार, ऐसे थोड़ी ना, जहाँ हम भी गंदा काम करते हैं खुद ही उलझ जाते हैं, यार कहाँ गया वो यू, कहाँ गया वी। तो मैं समझ सकता हूँ, एक कॉमन प्रॉब्लम है। तीसरा पॉइंट, अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर स्कूल लेवल में आप इतनी तैयारी करवा रहे हो, हमें आपने 25 क्वेश्चन दिए, आज आप घर के लिए मुझे 40 क्वेश्चन देंगे, हाँ मैं आपको 40 क्वेश्चन दूंगा आज करने के लिए, और आप क्यों दे रहे हैं, और अगली बार मैं आपको 30 दूंगा, तो मैं 100 का आंकड़ा पूरा कर दूंगा आपके 3 लेक्चर के अंदर, चलो 100 में से आप 80 प्लस तो करेंगे ट्राई, तो ऐसा कितना पेपर आएगा कि मतलब मैं इतनी मेहनत करूंगा, मतलब कुछ तो अच्छा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, स्कूल के अंदर 3 नंबर की जो डेरिवेशन आएगी, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, एक 6 नंबर का पेपर आएगा आपको, कि बस मतलब 3 नंबर की फाइट के लिए मैं 100 क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ, सोचने वाली बात है। अच्छा चलो, फिर कंपटीशन में आता होगा, एक क्वेश्चन आएगा बस, नीट में भी और मेंस में भी बस, तो फिर इतना मोशन क्यों कर रहे हैं। तो आप सीधा मेंस का पेपर करवा देना, मेंस का पेपर में डेट कोई 180 क्वेश्चन हैं जो पिछले कई साल में आए हुए हैं, मैं आपको दूंगा करने के लिए, जो ट्राई करने के लिए, साथ साथ करवाता हूँ मेंस के पेपर, नीट के भी साथ साथ करवाता हूँ जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं। देखो कुछ ऐसा है कि ये ना क्रिकेट मैच की तरह है, आप प्लेयर को कहो कि भैया सुबह से शाम तक प्रैक्टिस क्यों करता है, तूने तो वहाँ गिन के 20 बॉलर ही खेलनी है, क्योंकि अल्टीमेटली यार इंटरनेशनल मैच में कितनी खेल लेगा, 100 खेल लेगा, 300 बॉलर का मान लो मैच है तो 100 ही खेल लेगा, इस ऊपर तो चल 100 नहीं 150 आता तू ही खा लेगा, और बोल तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे, जरूरत क्या है, तो 5 बॉलें खेल ना दिन की खत्म, देखो उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, वो घबरा जाएगा। तो ये ना आपका, आपने एक नोट किया, कैलकुलस इतना आता नहीं, हमने देख लिया बहुत छोटे छोटे कैलकुलस यूज किया हमने, इतना क्या आता है, पर हमने कैलकुलस की प्रैक्टिस खूब की। आप फर्स्ट डे आए थे और आप आज के अंदर कैलकुलस की स्पीड में आप अंतर देखें, आपकी स्पीड में बहुत फर्क आ गया है, बस ये वही गेम है। तो आपकी जो ब्रेन है ना, इसको थोड़ा सा तेज चलाना है, और मेरे पास और कोई चैप्टर नहीं है तेज चलाने के लिए, और चैप्टर सबसे जो रुकावट वाला चैप्टर है वो मोशन ही है, मतलब ये जो पार कर जाता है, मतलब वो उसके तो पूरे दिमाग के ना वो पूरी कैलकुलेशंस एकदम सेटिंग सही बैठ जाती है, उसका टेम्परामेंट फिजिक्स का सेट बैठ जाता है, और फिर वो आने वाली फिजिक्स में ना उड़ाता जाता है चीज़ों को, क्योंकि बाकी फिजिक्स इसे नीचे चलेगी, इसे ऊपर नहीं चलेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम का डर निकाल रहे हैं, मैथमेटिक्स का डर निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन का डर निकाल रहे हैं, नीट एंड क्लीन काम कैसे करना है, कम टाइम में कैसे एफिशिएंसी लानी है, ये उसके ऊपर काम चल रहा है। हफ्ते के बाद जब आप नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स देखेंगे, आपका हाथ बहुत तेज चलने वाला है, क्योंकि आपको कैलकुलस की एकदम स्पीड बन गई, आपकी मोशन में स्पीड बन गई, आपकी वेक्टर में स्पीड बना दूंगा, ये 3 चैप्टर फाउंडेशन है। फिर आप देखें जब फिजिक्स स्टार्ट होगी सही तरीके से, बहुत तेज चलने वाली है, मतलब मेरी तरफ से तेज नहीं, आपकी तरफ से तेज चल पड़ेगी, बस यही बेस बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, तो हम नंबरों के पीछे नहीं भाग रहे, कहीं सोचो कि नंबर आएंगे, नहीं नंबर तो आ जाएंगे अपने आप,
नंबर छोड़ो, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, बट पहले आप अपने आप को थोड़ा मजबूत बना लें। ठीक, समझ में आ रहा है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट कर लिया था। 9 हमने, हाँ मैंने करेक्शन कर भी दी, देखो इसमें जब अपलोड करूंगा तो मैंने करेक्शन के साथ किया है। 10th में डाउट, 10th भी लास्ट टाइम किया था, 15/2 और 1 ये भी हो गया था। ठीक है, तो ये असाइनमेंट क्लोज करते हैं, 11th करते हैं। देखो जो 11th क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन 11th शीट का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, मतलब मैं तो तंग आ गया हूं देख के। नेक्स्ट 3 सेकेंड वाला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तीसरी बार देख रहा हूं मैं इसे। नेक्स्ट 3 सेकेंड में S8 - S5, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, ये एक ही तरीका है, हर बुक में ये गिवन है। नेक्स्ट 3 सेकेंड, अब याद हो गया S8 में से S5 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी हुआ तो प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, कितनों का हो गया 2 हो गया, कोई डाउट तो पूछ ले, मेरा कुछ जाता नहीं है, मैंने कर ली मेहनत जो मैंने करनी थी, मैंने अपने हाथ, मेरे दर्द नहीं होंगे, चिंता मत करो, 2 मिनट लगेंगे तो पूछ लेना, राइट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 3 हो गया, 3 में आपको क्या गिवन है, आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, ये रही, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, याद रखना वेलोसिटी के आगे कुछ लिखा नहीं तो इंस्टेंटेनियस है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है क्या, dx/dt, इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करके ये आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? चार्ज करके आए कैलकुलस, वेलोसिटी आ गई, टाइम को 0 पुट कर दें तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, तो यहां पे टाइम को 0 पुट करें इनिशियल वेलोसिटी आएगी, फिर टाइम को 4 सेकेंड पुट करें तो यहां पे टाइम को 4 पुट करें तो 400 + 180 580 आंसर आएगा, सेकेंड आंसर आएगा। और नेक्स्ट है एक्सेलरेशन निकालें, कौन सी, कुछ मेंशन नहीं है तो इंस्टेंटेनियस, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो dv/dt डिफरेंशिएट करके आपके पास 100 आएगा, आंसर आएगा। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, कोई कैलकुलस चाहिए नहीं है, तो आपको टाइम इंटरवल गिवन है 2 और 5, आप टाइम को 2 पुट करें तो यहां पर v1 आएगा, आप टाइम को 5 पुट करें तो यहां पर v2 आएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v2 - v1 आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट में निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इन सेम इंटरवल, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या, v2 - v1 / t2 - t1, v2 और v1 की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में आई हुई है, t2 t1 हमें पता है, ये t2 ये t1, 5 में से 2 गया 3 आंसर। और लास्ट में क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन 60 आएगी, तो 60 एक्सेलरेशन है, हमें 4 सेकंड पे निकालनी है तो 6 × 4 = 24 आंसर आएगा। कोई डाउट? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, चलो कितनों का हो गया ये, हो गया। देखो ऑन अ फॉगी डे, धुंध पड़ी हुई है, 2 ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं, धुंध में से 2 ड्राइवर एक दूसरे को देख लेते हैं, जब वो 80 मीटर अपार्ट हैं, दूर से उनका डिस्टेंस 80 है, देवर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर/hr and 60 किलोमीटर/hr रिस्पेक्टिवली, तो ए ड्राइवर की स्पीड 72 किलोमीटर/hr थी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, किलोमीटर को मीटर में 1000 और आर को सेकंड में 3600, तो आंसर 20 मीटर/s आएगा, और ऐसी 60 किलोमीटर/hr से क्या आएगा, 50/3 आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो 2 कार की स्पीड पता लग गई, अब वो कह रहे हैं कि दोनों देखते ही एक दूसरे को ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ियां रिटार्ड होती हैं, स्लो डाउन होती हैं, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। दोनों की रिटार्डेशन कितनी है, 5, मतलब -5, एक्सीलेशन दोनों की -5, तो क्या निकालना है, फाइंड वेदर दे विल अवॉइड कोलिजन और नॉट, इनकी टक्कर होगी या नहीं होगी ये आपको पहले बताना है, और अगर नहीं होगी तो जब ये रुकी गाड़ियां उनके बीच में स्पेसिंग क्या होगी ये भी बताना है। अब टक्कर होगी या नहीं होगी करने के लिए आप पहले ए को ब्रेक लगाएं, ए अगर ब्रेक लगाता है और मान लो यहां पे आके रुकता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, इनिशियल क्या हो जाती है, 20, और S1 इसका डिस्टेंस है, रिटार्डेशन -5 है, फर्स्ट कार के लिए अप्लाई करें v²-u²2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0,
इनिशियल कितनी 22, रिटार्डेशन S1 आ गया। क्लियर है यहां तक? तो पहली गाड़ी कितनी मीटर पे रुकती है 40। चलो फिर बी कार को रुकते हैं। बी कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी 50/3, फाइनल वेलोसिटी 0। तो 0 स्क्वायर माइनस 50/3 का स्क्वायर इज 2 इंटू माइनस 5 इंटू S2, यहां से किसकी वैल्यू आ गई S2। तो S1 S2 का सम 80 मीटर से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब इनकी टक्कर नहीं होगी, और टक्कर नहीं होगी तो इनके बीच में दूरी क्या होगी? जो भी आंसर आएगा 80 में से 27.7 एंड 40 को क्या कर दे माइनस, तो आंसर का आएगा 12.3 मीटर। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो पहले S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, फिर 80 मीटर में से S1 S2 को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? दोनों के बीच में दूरी आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। तो जो मैं बता रहा था ना 2-3 लेक्चर से कि कैसी फीलिंग आएगी आपको, तो आनी स्टार्ट होगी होगी कि मतलब बड़ी मतलब होगा कि नहीं होगा, करके देखना पड़ेगा, शक्ल देख के नहीं बोल सकते आप, और बीच में अटक भी जाता है बंदा, कई बार स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, बहुत ऐसी समस्याएं हैं। पैनिक नहीं करना, मतलब आप मेरे पास लेके आए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, स्टेटमेंट को समझाऊंगा, करेंगे आप ही, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपने देखा होगा डाउट क्लास में करता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैंने ही किया फिर आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस गेन नहीं करोगे ना। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ये लगा के देखो फिर आंसर आएगा आपका। तो यही काम है, 2-4 महीने लगते हैं, 2-3 महीने के अंदर एकदम पेस डेवलप हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट। डाउट देखो कितनों का हो गया ये, देखो इसमें क्या था कि पहली बार में कई बार नहीं भी होता है ये, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन से काम नहीं चलता। देखो कैसे, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद 126 किलोमीटर पर आवर, तो 126 किलोमीटर पर आवर का मतलब है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके 35 आएगा। फिर वो कार कह रहा है कि ब्रॉड टू रेस्ट, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ये गिवन है। तो डायग्राम मैंने बना लिया, मुझे बताना है कितने समय में रेस्ट पे आई। अब देखो जब मैं समय निकालता हूं तो या तो मैं इक्वेशन अप्लाई करूंगा S=UT+ 1/2 AT², या मैं अप्लाई करूंगा V=U+8T। दोनों ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि A चाहिए और A हमारे पास है नहीं, तो एक काम करते हैं पहले V²-U²2AS लगा लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 35 है, तो V²-U²2AS में A की वैल्यू कितनी आएगी -3, तो रिटार्डेशन है। तो पहले रिटार्डेशन निकाल लें, फिर लगा लें V=U+AT, तो A की जगह पुट कर लें -3, टाइम आ जाएगा आंसर, ऐसे करना है। तो पहले आप A निकालेंगे फिर आप T निकालेंगे, एक बारी में T नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये तो मैंने कहा था मत करना अभी ना, तो अब करो करो, स्टार्ट करो, डायग्राम मेरा रेफर भी कर सकते हो, खुद पहले डायग्राम भी बनाओ अपना और चेक करो क्या क्वेश्चन है।
एक बार स्टेटमेंट समझ ले क्या स्टेटमेंट है इसकी। स्टेटमेंट है अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक तो जिन क्वेश्चन में ये गिवन होता है ना मेरे को इतना बढ़िया लगता है ना, क्योंकि यू जीरो होता है तो मेरे को यू और ए की इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती है ना। आपको भी शायद सेम फीलिंग आती होगी, जैसे शुक्र है यार कम से कम तो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रही, यू तो जीरो गिवन है, चलो यू जीरो लिख लो। हैज अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आर एट एनी इंस्टेंट। रास्ते में कहीं पर इसकी स्पीड 30 थी तो मैंने बना ली 30, यहाँ पर स्पीड है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 25/3 आएगी। नेक्स्ट 2 सेकंड लेटर इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आर है तो 2 सेकंड में 36 हो गई। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 10 आ जाएगी। नेक्स्ट 2 सेकंड में कह रहा है कि 42 किलोमीटर पर आर है, मीटर पर सेकंड में कितनी है 35/3 है। अगर स्पीड ऐसे ही बढ़ती रही, इफ इट कॉन्टिन्यूज टू एक्सलरेट लाइक दिस, कम ऐसे ही स्पीड बढ़ती रही तो वेलोसिटी 8 और 9 सेकंड पे क्या होगी फ्रॉम दिस इंस्टेंट। ये वो इंस्टेंट है जहां से कहानी उसने स्टार्ट की है, तो यहां से 8 सेकंड लेटर क्या होगी। ठीक हो गया यहां तक, तो मैं मार्क कर देता हूं इस क्वेश्चन में, ये मेरा इंस्टेंट है जिसकी वो बात कर रहा है, जहां पर स्पीड क्या है 30 है। तो रूल नंबर 1, मैंने पहले एक बार चेक किया, मैंने क्या चेक किया कि इस इंटरवल में फाइनल स्पीड 10 है, इनिशियल स्पीड 25/3 है, तो v इज u प्लस at लगा लिया। v इज u प्लस at लगा के टाइम को 2 सेकंड पुट करके एक्सेलरेशन 5/6 आ गई। फिर मैंने फिर से काम किया, इस इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी 35/3 है और इनिशियल 10 है, तो यहां पे v इज इक्वल टू u प्लस at लगा के एक्सेलरेशन निकाली, फिर से क्या आई 5/6। तो मुझे यकीन हो गया कि हर इंटरवल में एक्सेलरेशन 5/6 है, तो पूरी जर्नी की एक्सेलरेशन 5/6 ही है। ये सिर्फ चेकिंग हो रही है कहीं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस तो नहीं है, नहीं है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, तो ए की वैल्यू हर इंस्टेंट पर क्या रहेगी एग्जैक्टली सेम। तो एक्सेलरेशन पूरे क्वेश्चन में क्या ली जाएगी 5/6। ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन है कि स्पीड की वैल्यू निकालनी है, मुझे वी निकालना है, इस इंस्टेंट से 8 सेकंड बाद वी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस पूरी जर्नी के लिए ये वेलोसिटी क्या मानी जाएगी इनिशियल, फाइनल आपको निकालनी है, टाइम आपको पता है, तो अप्लाई कर दें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v इज इक्वल टू यू की जगह 25/3, एक्सेलरेशन की जगह 5/6 और टाइम की जगह 8, निकाल लो पहला आंसर। और अगर वेलोसिटी निकाली है 9 सेकंड पे तो टाइम 8 की जगह क्या पुट करेंगे 9 पुट कर देंगे आंसर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वेलोसिटी का समझ में आ रहा है? तो इस इंस्टेंट के बाद 8 सेकंड बाद बताना है, तो इस इंस्टेंट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी 25/3, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में यू पुट कर देंगे 25/3, टाइम 8 सेकंड, आंसर 9 सेकंड, तो आंसर, तो दो आंसर आ जाएंगे इसमें, चेक कर लो ये आंसर आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? सारी गेम देखो दो चीजें हैं, सारी गेम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन है इसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन प्रॉब्लम है। क्योंकि क्वेश्चन की क्लैरिटी अगर हो जाती है तो सोल्यूशन निकालना सबसे आसान है, जब क्वेश्चन क्लियर नहीं ना तो प्रॉब्लम है। तो पहली क्लैरिटी लाओ, क्वेश्चन बिल्कुल सही समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, ये आंसर आ गया 2। फिर उसने क्या बोला, वॉट इज द स्पीड 4 सेकेंड बिफोर इट स्पीड वॉज 30 किलोमीटर पर आर। तो ये स्पीड यानी कि 25/3, 4 सेकेंड पहले इधर इसकी स्पीड क्या थी ये बताओ, ये क्वेश्चन है। तो इस इंटरवल के लिए यू कैन अप्लाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी 25/3, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन कितनी 5/6, टाइम कितना 4, तो यहां से u निकाल लेना आंसर आ जाएगा, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, मतलब रिटार्डेशन है यार, गाड़ी तो उधर जा रही है ना, हम पास्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन जब ये था कि अगर गाड़ी यहां से यहां आई तो यहां स्पीड क्या, चल तो ऐसे रही है, क्वेश्चन लेट पूछा जा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पूछा जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी तो सीधी चल रही है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? और वैसे भी फिजिक्स में एक चीज़ और याद रखो, गाड़ी अगर एक्स पे चल रही है एक्सेलरेशन है, माइनस एक्स पे चल रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये रूल एक्सेलरेशन में चलता नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन है।
तो मान लो इस तरफ आपकी गाड़ी तेज चल रही है, तो ये थोड़ा रिटार्डेशन है। मतलब वो कह रहा है कि इट इफ इट एक्सलरेट्स लाइक दिस, मतलब कि ऐसे ही एक्सीलरेशन होती रहे, तो मतलब ये अंडरस्टूड है कि ऐसी गाड़ी चलती आ रही है। उस डेटा के ऊपर ही हमने अज्यूम किया है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि मुझे क्या पता गाड़ी में कैसे चला के आया वो। नहीं, इतना अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म आता भी नहीं वैसे पेपर में। नॉन यूनिफॉर्म तो ऑब्जेक्टिव में आएगा और सिर्फ कैलकुलस ही सॉल्व कर पाएगा, और कोई तरीका ही नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन में तो एक्सेलरेशन वैसे ही कॉन्स्टेंट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? लॉजिक क्लियर है? क्या लॉजिक लगेगा सब में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में इसका आंसर 50 आ रहा है, मेरे को लगता है 50 आ रहा होगा कि 30। देखो, अगर तो उसने क्या पूछा, फाइंड नेट डिस्टेंस, तो 50 आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दी, और डिस्प्लेसमेंट में सारी वैल्यूज को मैंने क्या मैंने रिपीट, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो सारे एरियाज को पॉजिटिवली ऐड करना है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ऊपर के एरिया पॉजिटिव और ये वाला एरिया नेगेटिव करना है। तो मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल दी है, मैंने इन एरियाज को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा आंसर कम आ गया है। हालांकि मैंने मॉड लगाया पर मैंने किया सब्ट्रैक्ट ही है, पर तुम्हें डिस्टेंस पूछा है तो यहाँ पर तुम इसको पॉजिटिव ही लेना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, 50। डिस्टेंस में सारे एरिया पॉजिटिव 50, डिस्प्लेसमेंट में नीचे का एरिया नेगेटिव, वो माइनस होगा, तो आंसर 30। क्या डिफरेंस क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट, -20। मॉड मत लगाना, डिस्प्लेसमेंट में मॉड मत लगाना, अपने आप एरिया माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, क्या बात है, क्या किया फिर बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली इसकी, क्या निकालना है इसमें, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैसे निकाली, सबसे ज्यादा स्लोप, राइट। तो बेसिकली स्लोप देखनी है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सीलरेशन, तो आप इसकी एक्सीलरेशन निकाल लें कितनी, 20 डिवाइडेड बाय 2, इसकी तो जीरो है स्लोप, इसकी क्या आएगी, दिस हाइट, ये हाइट कितनी है, 60 माइनस 20, 40 डिवाइडेड बाय 1, और ये रिटार्डेशन है, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 40। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सलेशन पूछी, तो जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी, जिसका टेन थीटा सबसे ज्यादा होगा, वही आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कितनों का हुआ, हो गया, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया, वी इज यू प्लस ए टी लगा लगा के, मैं 30 सेकेंड में सॉल्व करूंगा सिर्फ, बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के। ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन से तो हो ही जाएगा, लंबा है, आपने 2 4 5 इक्वेशन तो बनाई होंगी सॉल्व करने, 5 लाइन तो यूज किए हैं। देखो मैं एक स्लाइड में कैसे करता हूँ, नया तरीका देखो। क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, एक्सलरेट करती है विद एल्फा, कॉन्सनट्रेटेड एल्फा का मतलब एक्सलेशन एल्फा है, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वो एक्सलेट करती है, स्पीड को बढ़ाती है, फिर अपनी स्पीड मैक्सिमम करती है, और फिर ब्रेक अप्लाई करती है और रिटार्ड करती है, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन कितनी है, बीटा। तो पहले रेस्ट से स्टार्ट होती है, स्पीड बढ़ाती है, मैक्सिमम स्पीड करती है, ब्रेक लगाती है, और फिर उसके बाद रुक जाती है, तो इट कम्स टू रेस्ट। टोटल टाइम पूरी जर्नी का कैपिटल टी है, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। नो डाउट आप दो केस बनाएंगे, पहले एक्सेलरेशन का, फिर रिटार्डेशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं ऐसे करूंगा, मैं इसका वीटी ग्राफ बना दूंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इनिशियली बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, वेलोसिटी बढ़ती 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 क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, फिर वेलोसिटी घटती 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 क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वेलोसिटी जीरो से मैक्स हो गई, मैक्स से जीरो हो गई, कोई डाउट इसमें? तो ग्राफ बन गया इसका, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है, कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी टोटल टाइम गिवन है मुझे। तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन
कुछ देर के लिए हुई, कितनी? टी वन टाइम के लिए, रिटार्डेशन टी टू टाइम के लिए, अपने मन से सोच लिया। अब ये वी टी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन तो गिवन ही अल्फा, स्लोप क्या होगी इसमें? दिस हाइट, ये हाइट कितनी है? वी मैक्स डिवाइडेड बाई टी वन। तो क्या ये पहला रूल क्लियर है? एक्सेलेरेशन अल्फा इज वी मैक्स बाई टी वन, क्योंकि स्लोप निकाली है। स्लोप क्या है फर्स्ट लाइन की? वी मैक्स बाई टी वन, और वही एक्सेलेरेशन है अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी वन आ गया। फिर इस लाइन की स्लोप क्या है मैग्नीट्यूड में? बीटा। कितनी होगी? दिस हाइट बाई दिस। ये हाइट क्या है? वी मैक्स। ये टाइम है टी टू, तो बीटा इज इक्वल टू वी मैक्स बाई टी टू। यहां से सॉल्व करके क्या आ गया? टी टू आ गया। पूरी जर्नी का टाइम क्या गिवन है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। टी वन टी टू पुट कर दिया, वी मैक्स कॉमन निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, और देखो वी मैक्स आ गया। यही आंसर आया होगा आपका भी, ऐसे किया ठीक है। इक्वेशन हम मोशन से भी कर सकते हैं और ग्राफिकल भी, वो वी यू प्लस ए टी से सेम आएगा, ठीक है कर सकते हो, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, जैसे पसंद है वैसे कर लेना आंसर। तो स्टेप चेक कर लो, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे किया? अब इसी के अंदर वो ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी, ग्राफ कौन सा है? ग्राफ वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है डिस्प्लेसमेंट? एस इज इक्वल टू एरिया, बोलो क्या होगा? हाफ इंटू हाइट। हाइट क्या है? वी मैक्स। और बेस कितना है? कैपिटल टी। तो हाफ इंटू वी मैक्स इंटू कैपिटल टी। वी मैक्स की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से निकली हुई है, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें, मल्टीप्लाई करके चेक करें आंसर सेम आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कैसे कर रहे हैं? ठीक, ठीक है यहाँ तक? तो देखो ये अब कर तो कैसे भी सकते हैं, पर ये शॉर्टेस्ट रास्ता लगता है मेरे को। अब आपके मन में ये क्वेश्चन करते हुए आता है कि हमने को सपना आएगा कि यार वीटी ग्राफ बनाना है, और हम तो इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे, हमें क्या पता। तो आप इक्वेशन अप्लाई कर लो, और ये ना प्रैक्टिस है। तो मुझे ये क्वेश्चन दो करने के लिए, मेरे को रटा पड़ा है, मैं 10 बार देख रखा है, मैं कहूँगा यार इसका ग्राफ बना प्लॉट कर लो, तो भी रट जाएगा, क्योंकि 2 बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर आने वाला है। तो एक बार फिर ट्राई मारोगे, फिर कहोगे अच्छा ये तो वही है यार ग्राफ वाला, चलो आंसर आ गया। फिर एक दिन आपको आंसर ही याद हो जाएगा, आपको यही आंसर है ठीक। ऐसे ही और कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होती है, नंबर कैसे आता है, ऐसे आते हैं बार बार चीज कर करके प्रैक्टिस हो जाती है, पता लग जाता है आंसर आ गया। तो बस यही स्टेज लेके आए, तभी 100-100 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ताकि आपकी हर एंगल से आपका ब्रेन काम करे। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, एक और शीट क्लोज करते हैं इसमें। अच्छा हाँ, वो स्प्रिंटर वाला क्वेश्चन है, वो बाद में करता हूँ, तो मैं रुको पहले इसको जो कंप्लीट कर लूँ जो किया हुआ है, वो रह गया क्वेश्चन। कितने लोगों ने ये शीट की 12 नंबर की है? चलो देखते हैं, ये फिर भी थोड़ी कंपैटिबिलिटी ठीक थी, जल्दी होती है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट 1, ठीक है हो गया सबसे? हो गया रमन? हो गया किया नहीं?
क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर वन में डाउट पूछो जिन्होंने किया, नहीं है कोई बात है। क्वेश्चन नंबर टू में डाउट है, बुलेट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। तो ये हमने गाड़ी बना दी, वैसे बुलेट बनानी चाहिए थी मुझे, एक लकड़ का कोई पीस पड़ा हुआ है, एंटर करती है बुलेट और बाहर निकलती है और कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर, बाहर निकलती है उसके अंदर ट्रैवल कर जाती है। तो चलो टोटल डिस्टेंस कितना है, 0.4 मीटर है और इनिशियल वेलोसिटी 16 है और फाइनल 0 है। फाइंड टाइम टेकन, सेम प्रॉब्लम अभी किया था, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो पहले वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as से a निकलेगा, फिर इसी जर्नी में v इज यू प्लस at से t निकलेगा आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, थ्री में डाउट कितनों का हो गया, ये थ्री हो गया, थ्री हो गया। देखो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, ट्रिक इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन टाइम है। ये रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम क्या होता है? हाँ, रिएक्शन देने में कितना टाइम दे रहे हैं भाई, मैंने गाड़ी देख ली, मुझे पता है आज तो टक्कर होगी होगी, अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं ब्रेक ही अप्लाई सोच रहा हूँ, ब्रेक अप्लाई करूँ कि ना करूँ, मैंने 10 सेकंड लगा दिए, मेरा बहुत पुअर रिएक्शन टाइम है, पता है कि गाड़ी गड्ढे में गिरने वाली है और फिर भी 10 सेकंड सोच रहा हूँ, इससे पुअर क्या हो सकता है। तो रिएक्शन टाइम जितना छोटा है आपका रिएक्शन उतनी जल्दी आएगा। जितने फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग है या सिलेक्शन होती है, एक ही टेस्ट है, सबसे मेजर टेस्ट रिएक्शन टाइम किस पायलट का सबसे छोटा है, क्योंकि उसको तो वहाँ पर डिसीजन लेना है, कूदना है कि नहीं कूदना, मिसाइल चलानी है कि नहीं चलानी, तो वो उसका अपना डिसीजन है, और सोचने बैठ जाएगा तब तक तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रिएक्शन टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये ड्राइवर की समस्या क्या है, रिएक्शन टाइम इस ड्राइवर का 0.6 सेकेंड है, 0.6 सेकेंड वो सोचता है फिर अपना रिएक्शन देता है, ब्रेक दबानी है या नहीं दबानी। इफ ऑटोमोबाइल कैन डी एक्सेलरेट एट, मतलब कि ये कार जब ब्रेक अप्लाई की जाए तो उसकी रिटार्डेशन -5 है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कमिंग टू स्टॉप फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर आफ्टर सिग्नल इज ऑब्जर्व। तो आगे से किसी ने सिग्नल दिया कि रुक जा, अब उस चक्कर में हुआ क्या, ड्राइवर पहले सोच रहा था सिग्नल आ गया, 0.6 सेकेंड तो बंदे ने ब्रेक को अप्लाई नहीं करना, रिएक्शन टाइम 0.6 है, तब तक गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से आगे भागना स्टार्ट कर देगी, चली रही थी तो 0.6 सेकेंड तक तो ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाया, तो 30 किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से गाड़ी चलती गई, फिर ब्रेक अप्लाई करनी शुरू की, तब जाके गाड़ी रुकी। तो कह रहे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, अब देखो जब तक वो सोच रहा है 0.6 सेकेंड तक, तब तक कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वी कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, 30 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना, 0.6। जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं की, सोच रहे, सोचते सोचते ही 5 मीटर गाड़ी आगे चली जा चुकी है, अभी तो ब्रेक अप्लाई नहीं की, सोचने सोचने में मतलब ब्रेक तो अप्लाई हुई नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एस इज इक्वल टू वी टी 5 मीटर। अब उसको ख्याल आया अभी ब्रेक भी मारनी है, तो ब्रेक मारनी है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 25/3, तो इनिशियल वेलोसिटी 25/3 है, 2 × रिटार्डेशन × एस। तो ब्रेक अप्लाई करने पे उसका डिस्टेंस कवर्ड 6.94 मीटर है। अब टोटल कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जब सिग्नल मिला था, जैसे सिग्नल मिला 5 मीटर तक तो गाड़ी दौड़ती गई, फिर ब्रेक अप्लाई करने पे 6.9 और दौड़ी, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 11.9 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जब तक ब्रेक नहीं अप्लाई की तब तक कोई रिटार्डेशन नहीं, तब तक एस इक्वल टू वी टी, ब्रेक अप्लाई कर दी, फिर उसके बाद वी स्क्वायर जो भी लगानी है इक्वेशन लगा सकते हैं। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? ठीक है यहाँ तक?
समझ में आ गया यहाँ तक क्या करना है? नेक्स्ट है, कितने लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट है? हाँ ये तो डाउट है, कितनों का हो गया? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को क्या कर आपने कैसे किया, ये कैसा कर सकते हैं? एक ना कोई बर्गलर्स कार है, हैड अ स्टार्ट विद एन एक्सलेशन ऑफ 2 meters per second square। भाई कोई चोर है और वो कोई चोरी करता है, अभी रेस्ट पे है, चोरी कर ही रहा है, सामान सामान रख रहा है गाड़ी में, फिर यू इज इक्वल टू जीरो से कार को स्टार्ट करता है तो एक्सलरेट करता है 2 meters per second square, यानी कि स्पीड उसकी पहले जीरो है, फिर इंक्रीज 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 करता जा रहा है, उसने भागना स्टार्ट कर दिया। आप मौके पे खड़े थे, वहीं पे सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। ठीक, तो अ पुलिस विजिलेंट पार्टी केम आफ्टर 5 seconds, तो पुलिस वाले उसी जगह पे 5 seconds लेट आए, भागे भागे आए, मतलब खड़े नहीं वहां पे मौके पे, गाड़ी लेके आ रहे हैं, एंड कॉन्टिन्यू टू चेज दी बर्गलर्स कार, मतलब रुके नहीं है, उनको देख लिया दूर से, 5 seconds लेट हो गए हैं, पर उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया, भाग ही रहे थे, रुके नहीं, बस सीधा चलते जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20, तो पहले भी 20 की स्पीड से आए और जब मौके पे आए तभी 20 की स्पीड थी, आगे भी 20 की स्पीड है, उन्होंने ना एक्सलेट करना, बस वो तो 20 के साथ ही चलते जा रहे हैं। अब देखो कितनी समस्या है, जो तो थीफ है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, रेस दे रहा है, पुलिस वाला पहले टाइम से ही 20, 20, 20 एंड 20। तो अब क्वेश्चन ये है, बताओ टाइम जब पुलिस वाला उस थीफ की कार को ओवरटेक कर देगा, मतलब उसके बराबर पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जब यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा आए, इसमें ये समझ में आ रहा है कि दो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक चोर की चल रही है और एक पुलिस वाले की चल रही है, पुलिस वाले की गाड़ी की स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, तो पुलिस वाले के लिए इक्वेशन एक ही अप्लाई हो सकती है, एस इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, एस इज इक्वल टू वी टी, और जो चोर है वो एक्सलरेट हुआ रेस्ट से, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। आप मौके पे खड़े थे, ये वो मौका था, यहां से लेके आपने देख लिया सामने जाके पुलिस ने थीफ को ओवरटेक कर दिया, तो यहां से लेके पुलिस का डिस्टेंस, यहां से लेके चोर का डिस्टेंस बराबर है, अनइक्वल होगा तो ओवरटेक कैसे होगा, दोनों को बराबरी तो आना पड़ेगा, तो दोनों का डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये भी क्लियर है यहां तक, तो एस की वैल्यू दोनों की सेम पुट करनी है, ये भी क्लियर है। अब एक समस्या है, समस्या ये है कि पुलिस वालों का टाइम 5 seconds लेट है, तो अभी जब ये स्टार्ट हुई थी गेम, तो स्टार्टिंग में चोर 5 seconds पहले खिसक लिया, तो अब अगर स्टॉप वॉच चोर को लेके 5 t second है, तो आपने 2 stopwatch लगा रखी हैं, एक चोर के लिए जब भागा था और एक पुलिस वाले के लिए, तो जो चोर है या जो थीफ है वो अगर टी सेकेंड पे यहाँ पर पहुँचा तो पुलिस वाले 5 seconds लेट हैं, तो उनकी घड़ी में टाइम क्या होगा, t+5, सही है यहाँ तक, तो 5 seconds का डिफरेंस डालना है इन्हें। तो शुरू करें, पुलिस वाले के लिए डिस्टेंस यहाँ से देखें कितना है, मान लो टी, पुलिस वाले ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 t, है ना, उल्टा कर दिया मैंने, करके देखना, ये तो मैं ये दिखा रहा हूँ सिर्फ, ये वाला ये क्वेश्चन कह रहा हूँ बस, तो आपने t+5 लिए, तो मैंने भी t+5 लिए, नहीं मैंने ठीक लिया मेरे को लगता है, जैसे मैंने कहा कि अगर पुलिस वाले का टाइम अभी 10 seconds दिखा रहा है, तो थीफ तो क्रॉस कर चुका ना, 15 हो गया ना, तो थीफ के लिए t+5 बोला ना मैंने, अच्छा बोल उल्टा दिया मैंने, अच्छा सॉरी, ठीक है ओके, फिर से एक बार, तो ये कहानी थीफ की पहले स्टार्ट हो चुकी है, तो उसका टाइम घड़ी में ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि वो पहले अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका है, और जो लेट है वो पीछे चलेगा, ऐसे बोलना चाहिए, है ना, उल्टा मैंने लेट के लिए शायद पुलिस वाले t+5 बोला मैंने, गलत बोला, ओके फिर से टाइम को लेके फिर से क्लियर करता हूँ, कि जो टाइम है पुलिस वाला जो है वो थीफ के टाइम से 5 seconds पीछे चलेगा। तो अगर थीफ का टाइम अभी t+5 है तो पुलिस वाले का t है, अब ठीक है, या उल्टा अगर थीफ का टाइम t है तो पुलिस वाले का t-5 है, 5 seconds पीछे कर दो, या थीफ को 5 seconds आगे कर दो, तो मैंने
पुलिस का टाइम अगर टी लिया तो थीफ का टाइम टी प्लस फाइव ले लिया, तो जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यहाँ पर एस इज इक्वल टू वी टी। तो एस की वैल्यू दोनों के लिए क्या कर दी, सेम सेम करके क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करके टाइम आएगा, टाइम 5 सेकेंड आएगा, 5 सेकेंड में ओवरटेकिंग होगी, क्लियर है? अब ठीक है यहाँ तक? बोलो फिर से, नीचे ऊपर गलत हो गया ना यार, ये वही तो कह रही है वो, नहीं पहला स्टेप गलत हुआ है, बाकी तो पहला स्टेप भी ठीक है वैसे तो, यू जीरो है वैसे तो, ऐसे ये सीधा ये इक्वेशन देखो यार, ये पुलिस का डिस्टेंस है, ये बेस्ट है, और ये थीफ का डिस्टेंस है। अब ठीक है, उसके लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए एस टू वी टी। अब क्लियर करके आंसर आ गया, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कैसे करना है? नेक्स्ट क्या है, कितने लोगों को इसमें डाउट है, तो कितनों का हो गया ये? ठीक है देखो, इसमें बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड ट्रैक 2 मीटर लॉन्ग। तो एक बॉल है वो 2 मीटर इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइंड है पर है स्ट्रेट, तो u इज इक्वल टू जीरो है और बॉल नीचे आ रही है, 4 सेकेंड लेती है बॉल नीचे आने में और 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। नेक्स्ट है फाइंड एक्सेलेरेशन, तो इसके लिए डिस्टेंस 2 पता है तो आप अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह 2, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है टाइम टेकन टू कवर सेकेंड मीटर ऑफ द ट्रैक। पहला मीटर देखो, टोटल मीटर कितने हैं, 2 मीटर हैं, इस जर्नी को 2 में ब्रेक कर लो, पहला मीटर दूसरा मीटर, वो कह रहा है सेकेंड मीटर का कितना समय लगा ये बताओ, कि बॉल यहां से यहां कितने समय में आई ये बताओ, टोटल समय कितना है 4। अगर मैं आपको ये टाइम बता दूं तो 4 में से इस टाइम को माइनस करके बचा हुआ टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक काम करते हैं ये टाइम निकाल लेते हैं, तो ये टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितनी है 0.25 और यहाँ से सॉल्व करके टाइम निकाल लेना, टोटल टाइम 4 सेकेंड है, पहले मीटर का टाइम 2.83 सेकेंड है, तो बचे हुए का टाइम क्या है 4 - 2.83 आंसर आ गया पूरा, तो सेकेंड आंसर भी आ गया, ठीक है ना यहाँ तक सेकेंड आंसर आ गया। तो सेकेंड मीटर समझ रहे हो ना, सेकेंड ये वाला फर्स्ट मीटर सेकेंड मीटर, तो हम फर्स्ट मीटर का टाइम निकाल लेते हैं बाय अप्लाइंग v इज इक्वल टू एस इज यू टी प्लस ऑफ 80 स्क्वायर से टाइम आ गया, 4 में से इस टाइम को माइनस का बचा हुआ टाइम आ गया, और लास्ट क्या निकालना है इसमें आपको बताना है कि जब ये बिल्कुल नीचे लैंड करेगी इसकी वेलोसिटी क्या है, पूरी जर्नी के लिए अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन पता है, टाइम 4 पता है, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, कोई डाउट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, अभिराज
याविका ठीक है, कितने लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? डाउट है कितनों का हो गया? ये वही गेम है जो अभी पहले वाली गेम है। बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कॉन्स्टेंट एक्सलेशन ऑफ 5। रेस्ट से स्टार्ट होती है बस, 5 की एक्सलेशन है, वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, ऐसी चलेगी। एट द सेम टाइम कार ट्रेवलिंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 ओवरटेक दी बस। तो जैसी बस चली, कार आई और कार की वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी? 50 से चल पड़ी, मतलब इधर से 50 से कार चली, इधर से बस चली रेस्ट से, बस रेस्ट से कार 50 से। कार की स्पीड हमेशा ही कांस्टेंट है, 50 50 50 50 गिवन है। अब बस क्या कार को ओवरटेक करेगी? करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि बस की स्पीड अभी तो 0 है, फिर हो जाएगी 10, फिर हो जाएगी 20 30 40 50 60 70, एक्सलेशन है ना, तो कभी ना कभी तो कार के ज़्यादा स्पीड लेगी लेगी और कभी ना कभी कार को ओवरटेक करेगी करेगी। सही है यहाँ तक? हाँ, शुरू शुरू इकट्ठे हुए थे, बात पक्की है जर्नी इनकी। आपको ये बताना है कितनी दूरी पे ओवरटेक करेगी, डिस्टेंस बताओ क्या था। आप वहीं खड़े थे, दोनों इकट्ठे चले, आपके हाथ में स्टॉप वॉच थी और आपने पूरा देखा, स्टार्ट इकट्ठे हुए, एक 0 से एक 50 से, थोड़ी देर के बाद ओवरटेकिंग हो गई। तो जैसी ओवरटेकिंग हुई, आपकी घड़ी में टाइम टी था, तो टी टाइम में कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया एस, टी टाइम ने बस ने भी डिस्टेंस कवर किया एस, क्योंकि जब तक एस सेम नहीं होगा तो ओवरटेकिंग ऐसे होगी। तो यहाँ पर टाइम भी सेम है और यहाँ पर एस भी सेम है। तो इसमें बस के लिए जब स्टार्ट हुई 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, कार के लिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो एस इज इक्वल टू 50 टी, लेकिन एस तो सेम करना ही है, जो ओवरटेकिंग के दौरान दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इसे और इसे इक्वेट करके सॉल्व करके टाइम निकाल लो, टाइम क्या आ गया? 20। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? इतने समय पे ओवरटेकिंग हो जाएगी, इस टाइम को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, 20 × 50 क्या जाएगा? 1000। तो 1000 मीटर पे ओवरटेक। दोनों इकट्ठे स्टार्ट हुए, टी टाइम में ओवरटेकिंग हुई, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बस ने वो इतना किया, कार ने इतना किया, तो डिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना ओवरटेकिंग के दौरान। तुम और मैं बराबर नहीं होंगे तो ओवरटेकिंग ऐसे होगी, तो ऐसे बराबर कर दिया, इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। फिर वो ये कह रहे कि ये बताओ बस की स्पीड उस टाइम कितनी थी जब ओवरटेकिंग हुई थी? बस की इनिशियल स्पीड क्या थी? 0। तो बस के लिए वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2 AS, क्योंकि 1000 मीटर डिस्टेंस पे ओवरटेकिंग है, तो वी निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है यहां तक? ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट। 7 में बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 10 cm/s², मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.10, एंड रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 20। रिटार्डेशन कितनी है? -2.2। कितनों का ये क्वेश्चन ठीक है? आ गया आंसर, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ली अपनी जर्नी इसमें। तो फाइंड द लीस्ट टाइम इन विच इट कैन कंप्लीट द जर्नी ऑफ 5 किलोमीटर इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी 72। तो यानी कि पहले बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलेरेशन हुई, करते 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 वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, कितनी? 72 किलोमीटर/आवर। फिर ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी क्या होगी? वापस 0। तो बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये वेलोसिटी आ गई 20। क्लियर है यहाँ तक? अब इस केस में अगर मैं ए बी पोर्शन लेता हूँ, ए बी पोर्शन के लिए यू की वैल्यू क्या है? 0। एक्सेलेरेशन क्या है? 0.10, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20। तो यहाँ से वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के टाइम की वैल्यू क्या आएगी? 200। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर 200 सेकेंड आ जाएगी। कोई डाउट इसमें?
ठीक, क्योंकि उसने क्या बोला, टाइम बताओ 5 किलोमीटर जर्नी में कितना समय लगेगा कवर होने में, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा, 200 सेकेंड लगा। अब एक स्टूडेंट क्या करेगा, वो कहेगा जी अब ये पार्ट ऑफ जर्नी लेते हैं, इस पार्ट ऑफ जर्नी में 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है और V0 फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो V इज U प्लस AT लगा के टाइम क्या आ गया, 100 सेकेंड आ गया। तो टोटल टाइम क्या हो गया, एक्सेलेरेशन का टाइम क्या है 200 और रिटार्डेशन का टाइम क्या है 100, तो आंसर क्या आना चाहिए 300, पर 300 गलत आंसर है। अब गलत क्यों है, कई लोगों को समझ में नहीं आता, नॉर्मल बात है ना समझ में आना, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, क्योंकि जो उसने बोला हमने कर ही दिया। प्रॉब्लम उसने ये क्रिएट की कि टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अब जब मैंने ये देखा कि AB की दूरी है कितनी, ये डिस्टेंस है कितना, तो इसके लिए जब मैंने लगाया SI UT + ½ AT² या V² - U² 2 AS, तो फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल 0 है और एक्सेलरेशन 0.10 है, तो डिस्टेंस आया 2000 मीटर। फिर ऐसी जब मैंने इस पार्ट ऑफ जर्नी का डिस्टेंस देखा रिटार्डेशन का, तो जब मैंने जर्नी अप्लाई की V² - U² 2 AS, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी सेकेंड पार्ट में, इनिशियल 20 है, रिटार्डेशन है, S है, तो S आया 1000। अब मुझे ये पता लगा कि मैं अपना क्वेश्चन तो 2000 + 1000 सिर्फ 3000 मीटर के लिए कवर कर रहा हूँ, 3 किलोमीटर के लिए, जबकि मेरे को क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना गिवन है 5, यानी कि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है ही नहीं अभी, तो मैंने तो सिर्फ 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर टाइम निकाल दिया। तो अब मुझे ये ख्याल आया कि एक्चुअल में हुआ ये था कि बॉडी पहले एक्सेलरेट कर रही होगी, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर की होगी, और कुछ देर के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर के साथ ही वो ट्रेवल करती गई, फिर थोड़ी देर में उसने ब्रेक अप्लाई की, तो यानी कि पहले एक्सेलरेशन है, फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, फिर रिटार्डेशन है, ताकि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाए, टोटल डिस्टेंस हो जाए 5 किलोमीटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के केस में तो रिमेनिंग पार्ट 5 किलोमीटर की टोटल जर्नी है, इधर से 2000 है, इधर से 1000 है, तो कुल मिला के बचा कितना 2000। तो 2000 मीटर के लिए यू कैन अप्लाई S = VT, तो 2000 = वेलोसिटी कितनी है 20 जो मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना है 100 आ गया। अब सही है, एक्सेलेरेशन का टाइम हमारे पास क्या आया था 200, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या आ गया 100, रिटार्डेशन का कितना आ गया अगेन 100, तो कुल मिला के टोटल टाइम 100 + 100 + 200 आंसर। तो समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे आएगा, जबकि उसको देना चाहिए था कि कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव करता है, लेकिन उसने वो देने की बजाय 5 किलोमीटर की जर्नी दे दी। वैसे कॉमन मिस्टेक है, बंदा सोचता नहीं इतना, इधर का टाइम ऐड आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? हाँ जी ठीक है, यहाँ तक तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डाउट, क्वेश्चन नंबर 8, 9, नेक्स्ट 3 सेकेंड S8 - S5, सेम क्वेश्चन है, वो सेम है S8 S5, U और A निकाल लो जैसे हम पहले निकालते आए हैं, S3 पता है, S5 पता है, तो SNS का फॉर्मूला लगा के U और A निकाल लो, फिर आपसे निकाल लो, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है S3 सेकेंड्स वाला। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? 10th क्वेश्चन में डाउट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसने बिल्कुल नहीं कहा रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से नहीं स्टार्ट हुआ तो यू तो लूंगा, ए भी पता नहीं क्या है, तो 25 मीटर पर सेकेंड है 5 सेकेंड पे स्पीड इसकी, और 8 सेकेंड पे 34 है, तो पहले काम करेंगे इस जर्नी के लिए अप्लाई करेंगे V = U + AT,
फिर टोटल जर्नी के लिए, क्योंकि टोटल जर्नी में यहाँ पे यू सेम यूज हो जाएगा, तो वी और यू, तो वी इज यू प्लस 80, टाइम की जगह 8 पुट करेंगे तो वी, ये दो इक्वेशन आएंगी, इन दो इक्वेशन में यू और ए की वैल्यू आ जाएगी। यू और ए आ गया, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस इन 12/3 सेकेंड, तो एस एन एथ का फॉर्मूला लगेगा और इनकी जगह 12 पुट करेंगे, तो यू और ए आ गया, एस एन एथ में इनकी जगह 12 आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?